आज जो हमारे गेस्ट हैं यहां पर अभी पीछे बैक स्टेज पर वो एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑन्ट्रप्रनियोर है इनफैक्ट ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट सेल्फ मेड ऑफ़ इंडिया। प्लीज गेव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली रितेश अग्रवाल I right I started at 18. I used to feel down as well. तो मुझे पता है आप कई सारे और से मिलते हैं जिन लोगों ने बिजनेसेस बड़े समय से बनाए हुए हैं बट मैं शायद आपसे पहला मिल रहा हूँ जो हुज ऑल्सो ग्रोन अपेटेड बाई यू सो थैंक यू सो मच सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहूंगा कि आइडिया आपके माइंड में कहा से आया देखिए सबसे पहले तो आ, मैंने कंपनी शुरुआत करी थी जब मैं जस्ट हाई स्कूल से बाहर निकला था तो उस समय मैं इंटर्नशिप्स करने लगा था छोटी छोटी कंपनियों में कि एक वेबसाइट बनवा लीजिए सोशल मीडिया पेज बनवा लीजिए एंड सो so ऑन तो उससे थोड़ी स्टाइपेंड मिलती थी और मुझे ट्रैवल करने का बड़ा शौक था तो मैं यहाँ पे आनंद विहार आई से बस लेकर के कहीं पे भी जहाँ पे भी बस लेकर के जा सके चाहे उत्तराखंड हो राजस्थान हो हिमाचल हो वहाँ जाने की कोशिश करता था वहाँ पे रहने की जगह सारी महंगी होती थी तो मुझे छोटी छोटी गेस्ट हाउसेस हॉलिडे होम्स इस तरह की जगह मिलती थी जिनको जनरली लोगों ने डिस्कवर नहीं किया होता था पर आपको तीन सौ रुपये पाँच सौ रुपए आठ सौ रुपये में ठीक साफ सुथरा जगह मिल जाता था तो मेरी शुरुआत इस चीज़ से हुई कि मैंने देखा कि ये सारी जगह काफ़ी अवेलेबल हैं पर अन है एक तरीके से तो उसको जो है मैंने एक वेबसाइट में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया कि इन जगहों में अगर आप रहें उत्तराखंड में हिमाचल में राजस्थान में आपको सस्ते दाम में प्राइस पर जगह मिलेगी उससे शुरुआत किया मैंने ओरावल का एक साल तक वो बिजनेस चलाया वो बिजनेस चलाने क्योंकि सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि बुकिंग तो आप करवा लीजिए पर सर्विस क्वालिटी मेंटेन होगा कि नहीं उसकी जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा था तो उसके बाद मैंने सोचा कि अगर यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो मैं इसी को सॉल्व कर लेता तो जो पहली गेस्ट हाउस कई सारे जो हमारे पास छोटे गेस्ट हाउस गुड़गांव में भी हमारे साथ जुड़े थे उनमें से एक को मैंने कहा कि आप जो है आपकी प्रॉपर्टी को मैं सर्टिफाई करूंगा थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव करूंगा जिससे आपकी ऑक्यूपेंसी बढ़े और मैं जिम्मेवारी लेकर के हर दो तीन दिन आके आपकी प्रॉपर्टी चेक करूंगा ऑडिट करूंगा और पहले एक दो महीना तो मैं ही आपका फ्रंट ऑफिस मैनेजर चेक इन चेकआउट क्लीनिंग सब कुछ मैं ही देखूंगा उनकी प्रॉपर्टी में टोटल ऑक्यूपेंसी बीस से कम चलती सिर्फ शादियां जब होती थी साउथ सिटी वन एरिया में गुड़गांव में तब शादियों में उनकी प्रॉपर्टी यूज की जाती थी तो उसके अलावा खाली रहता था तो उन्होंने कहा कि मुझे आप पे ऐसे तो भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि अगर मैं लगा हुआ हूं इतने समय से और उसके बाद प्रॉपर्टी में ऑक्यूपेंसी नहीं आ रही तो आपके आने पर कैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी पर ठीक है मेरा जितना अभी सिचुएशन इतना बुरा ऑक्यूपेंसी का इससे बुरा तो और हो ही नहीं सकता जो होगा इससे बेहतर ही होगा तो चलो आपको मैंने कुछ महीने के लिए प्रॉपर्टी दी आप चलाइए देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है अब उस प्रॉपर्टी में हम, हमने तीन चीजें करी सबसे पहला चीज़ हमने ये किया कि मैंने जाकर के ऑनलाइन वेबसाइट्स में देखा कि कौन सी प्रॉपर्टी टॉप रैंक में आती है बजट वाली मैंने देखा कि उन सबकी फोटोज और इंटीरियर्स अच्छे होते हैं तो इंटीरियर्स में जो व्हाइट लाइट थी उसको इस तरीके का मैंने वार्म लाइट से रि रिप्लेस कर दिया और दो तीन पेंट लगा टोटल खर्चा पर हजार का, का आया होगा जो कि ओनर से ही मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप ही की प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो आप ही लगा दीजिए मेरे पास तो कुछ है नहीं उस होटल के साथ में आपने टाइप किया लेकिन आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया कुछ इन्वेस्ट नहीं किया पर मैंने आइडियाज लगाए कि कैसे इसको इंप्रूव किया जा सके डायनेमिक प्राइसिंग लाई तो होटल का प्राइस पहले हमेशा दो रुपए पे फ्लैट रहता था पूरे साल मैंने ये कहा कि पहला तीन कमरा नौ सौ निन्यानवे में सेल होगा नाइन नाइन्टी नाइन आप लोगों ने सुना होगा जब वो शुरू हुआ था हमने कहा था स्टार्टिंग एट नाइन नाइन्टी नाइन उसके बाद में पहला तीन रूम नाइन नाइन्टी नाइन पे बिक जाए उसके बाद हर रूम पे मैं वन हंड्रेड से वन फिफ्टी रुपीज बढ़ा देता था प्राइस क्योंकि एक बार वॉल्यूम बढ़ जाता था आपने इंटरनेट पे देखा होगा बाई पॉपुलरिटी या बाई क्वालिटी आप या फिर बाई प्राइस आप शॉर्ट कर सकते हैं होटल्स को तो मेरा होता था कि बाई प्राइस पहले सॉर्ट करके तीन बुकिंग आ जाए जिससे फिर बाई पॉपुलरिटी में हम टॉप रैंक में आ जाएंगे तब ज्यादा प्राइस बन जाएगा प्लस ये भी एक और इसका बेनिफिट है कि अगर नाइन में कोई रुका है और उसको वैल्यू मिल गई दो की तो वो रिव्यूज अच्छे मिलेंगे तो रिव्यूज रिव्यूज में भी आप टॉप पे आने लग जाओगे जैसे कि मिले जल्दी से जल्दी और उससे आपका जो रिव्यूज में आप टॉप रैंक में आने लग जाएंगे राइट तो सिर्फ इससे जो है मैंने पहला होटल शुरू किया पहले महीने के एंड में यादव जी की प्रॉपर्टी 90 परसेंट प्लस ऑक्यूपेंसी में पहुंच चुकी थी This 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 was was your first first. success. success, success If talk real hotel getting this occupancy. India में जो है अच्छी story बहुत जल्दी फैलती है word of mouth से तो लोगों ने कहा अच्छा ये यादव जी की प्रॉपर्टी के बाहर बड़ी गाड़ियां लगने लगी हैं, कस्टमर <laughs> आने लगे कैसे आने <laughs> right. लगे हाँ. तो लोगों ने कहा कि अब तब लोग ओयो नहीं ब्रांड थी लोग कह नहीं पाते तो लोग कहते थे ये योयो -यो से अटैच किया इन्होंने हाँ. तब से इनका काम बढ़ गया तो लोगों ने कहा कि आप योयो से फोन करिए और आपका होटल भर जाएगा

बारहवीं कक्षा के बाद में जो एक पीटर थियल हैं जो पेपैल के फाउंडर हैं तो वो हंड्रेड थाउजेंड डॉलर यानी कि आज की करेंसी में अस्सी लाख रुपए बीस बच्चों को देते हैं बीस साल की उम्र से कम के लिए कंडीशन ये है कि आपको कॉलेज छोड़ देना है तो मैंने पीटर थियल के बारे में सुना साइबर कैफे में पीटर थियल सर्च किया मैंने प्रोग्राम के बारे में देखा अप्लाई कर दिया उसमें मेरे से पहले एशिया से कोई एक भी थियल फेलो कभी नहीं बना था सिर्फ अमेरिकन मोस्टली अमेरिकन मूल के लोग थे तो उन्हें जो अप्लाई कर देते हैं मेरा कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि कभी मेरे को थियर फेलो बनने का मौका मिलेगा तो एक दिन मुझे फोन आया कि आप जो हैं टॉप फोर्टी कैंडिडेट्स में से एक हैं जिनको यूएस बुलाया जा रहा है पिच करने के लिए तो मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था इसलिए नहीं क्योंकि थियर फेलो बन जाना था मुझे तो लग रहा था उसके बाद भी नहीं होगा क्योंकि चालीस में से बीस सेलेक्ट होने थे मेरी खुशी का इसलिए ठिकाना नहीं था कि मुझे लगा कि पहली बार यूएस जाने का मौका मिलेगा वो भी उन्होंने स्पॉन्सर किया वो भी उनका स्पॉन्सर उसके बाद में यूएस गए और 40 बच्चों में से मुझे थियल फेलो चुना गया तो मतलब उस टाइम पे आपको एक लाख डॉलर मिले एक लाख डॉलर मिले वो मेरा पहला फंडिंग था एक तरीके से बिना कोई स्टेक के मैं इसके दो कारण से ये मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं पहला ये है कि आपकी बैकग्राउंड क्या होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप में हिम्मत है कोई चीज सीखने के लिए और कर दिखाने के लिए उससे फर्क पड़ता है और दूसरा कि आप जमीन में काम करने के लिए तैयार हैं कि नहीं क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोगों को ये लगता है कि अगर हम होटल के बिजनेस में हैं तो हम क्यों होटल ओनर कहीं हमें मना करके बाहर ना निकाल दे हमें तो इस इंडस्ट्री का कुछ पता नहीं कोई दो सवाल पूछ लेंगे तो फेलियर हो जाएगी रिजेक्शन हो जाएगा उससे हमने बिल्कुल नहीं डरना है अगर आपने स्टार्टअप करना है उसका सबसे पहला मूल भाव ये है कि आपको अपने काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए जो भी काम है हर काम इज्जतदार है उस पर यू शुड बी प्राउड अबाउट इट अगर आप ये दो चीज करेंगे तो मुझे लगता है एटलीस्ट मैंने ये अर्ली डेज से सीखा कि अपने काम पे इज्जत और फक्र होना चाहिए बिल्कुल शर्म की बात नहीं अगर आपको रिजेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है है ही ओपन फॉर ऑल ऑफ आइडियाज ये बहुत बड़ी क्वालिटी एक की अगर आपका दिमाग काम शुरू करने से पहले ही बंद है तो ऑनट्रप्रिनशिप बिजनेस आपके लिए नहीं है यानी यू मस्ट बी ओपन फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग क्योंकि कहीं से भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है अब देखो ना इनको एक लाख डॉलर कहां से आया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता ये खुद बता रहे हैं कि उस टाइम पे एशिया से और कोई नहीं था जिसने अप्लाई किया था यानी कि आप पहले वो इंसान बने जिसको एशिया से ये ग्रांट मिला राइट बिल्कुल, बिल्कुल. ये क्यों हो पाया क्योंकि इन्होंने अप्लाई करने के बारे में सोचा क्यों सोचा क्योंकि इनके दिमाग में था कि देखते हैं हो सकता है हो जाए हो सकता है ना हो ट्राई तो करें और फिर जब इन्होंने ये किया और फिर वहां से जब वो एक लाख डॉलर आया तो उसके बाद में तो सारे दरवाजे खुल गए एक तरीके से बिल्कुल क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी नजरों में आप आ गए न्यूज में आए हो गए तो एकदम से जो होता है ना एक रिक्निशन चाहिए होता है शुरू में क्योंकि इंडिया के अंदर कितने ऑन्ट्रप्रोर्स होंगे इनके जैसे सोचो लाखों लेकिन उनमें से किसको मिली वो स्कॉलरशिप या क्या कहेंगे ग्रांट किसको वो ग्रांट मिला इनको तो इमीडिएटली जो पूरी इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी होती है उन सबकी नजरों में आ गए

जब मैं अपनी कंपनी शुरू कर रहा था मुझे कई लोगों ने कहा कि रितेश आपके फैमिली मानेगी मेरे जो पहले इंजर इन्वेस्टर्स थे उन्होंने एक्चुअली कहा कि मुझे आपके फादर से मिलना है कि वो आपको काम करने देंगे आपको कॉलेज भेज देंगे बीच में हमारे इन्वेस्टमेंट के बाद में तो सबसे पहला मेरा सुझाव ये है कि आप अगर पार्टनर्स लेके आएंगे या टीम लेके आएंगे या क्लाइंट्स लेके आ रहे हैं तो उन्हें आपको कन्विंस करना पड़ेगा जी सर तो आप ये समझिए कि आपका पहला क्लाइंट या पहला पार्टनर जो है आपके फादर हैं आपको अपने फादर को कन्विंस करना पड़ेगा यह कहने के लिए कि आपको पार्टनर लेकर के आना है चैरिटी बिगिंस एट होम पहला है दूसरा आप अपने फादर को एक बार जब कन्विंस कर लीजिए पैरली आपको अच्छा पार्टनर खोजना पड़ेगा क्योंकि yes, आपके फादर भी अगर कहेंगे किसी को पार्टनरशिप में ले आने के लिए तो उनको जरूरी है कि वो अच्छा पार्टनर आए जो कि आके अपना बिजनेस को टू एक्स करे यानी एक और एक ग्यारह हुआ yes, तो दस परसेंट देने में हर्जा नहीं है क्योंकि दोनों ही आगे बढ़ेंगे और तीसरा जो मेरा सुझाव है कि आपके बिजनेस को जो है आप एक ये बताइए कि कितना बड़ा आप बना सकते हैं अगर आप अपने पार्टनर्स को साथ लेकर के जैसे कि शुरुआत में अगर आपका मान लीजिए आपने फादर को कहा कि देखिए आज जो मेरे फ्लावर डेकोरेशन का काम है साल का कितना हो जाता होगा आपका टर्न लगभग सर अभी तो फिलहाल एक्चुअली क्या है अभी तो सिर्फ शॉप है इससे क्या है कि मैं चाहता हूँ ना कि मतलब जब मेरे पास पार्टनर्स हो जाएंगे तो किसी आ, वेडिंग के वेडिंग डेकोरेशन हो गया या बर्थडे के डेकोरेशन हो गया इनका हम ऑनलाइन पर्पज़ से भी वो काम कर सकते हैं ऑर्डर ले सकते हैं हाँ जी ऑल ओवर दिल्ली या कर सकते हैं और बाकी तो सप्लाई तो ऑल ओवर इंडिया ही हम करते हैं तो सिर्फ दिल्ली दिल्ली में दस हज़ार से ज़्यादा शादी होता है यस yes, सर अगर आपको वो बिज़नेस करना है तो आपको ये सोचना चाहिए कि उसके लिए आपको कौन सी स्किल्स चाहिए आपको स्किल चाहिए कोई वेडिंग इंडस्ट्री से हो जिसके पास एबिलिटी हो कि सारी वेडिंग हॉल्स में उनकी जान पहचान हो जो आपको फ्लावर्स दिला सके सर। आपको स्किल चाहिए फ्लावर सोर्सिंग में कि आपकी मार्जिन तभी बनेगी जब आपको फ्लावर्स सही रेट पे मिले और तीसरा आपको मैनेजमेंट चाहिए क्योंकि शादियों में अगर टाइम पे फूल नहीं लगा या फिर फूल नया नहीं लगा तो आपकी नेगेटिव मार्केटिंग हो सकती है लोग कह सकते हैं इनसे फूल मत लीजिएगा शादियों में थोड़ा रिस्क होता है सर। और साथ में आप एक प्लान बनाइए कि मेरे को अगले पांच दस साल के अंदर में जो है दिल्ली में हर साल पाँच सौ या हज़ार शादियों में आ, यू नो फ्लावर डेकोरेट करना है मुझे लगता है कि आपके फादर साहब ज़रूर मानेंगे यहाँ पे ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको पार्टनर्स को लेकर के आना है या किसी इम्प्लॉ को ऑन बोर्ड करना है इम्पॉर्टेंट जस... ये है कि आपकी विजन क्या है जैसे ये कह रहे हैं ना कि अभी इन्होंने बड़े कैजुअली एक बहुत बड़ी बात बोल दी कि अगर ऑन एन एवरेज महीने की हज़ार शादियाँ भी आ जाती हैं तो उसके लिए कितनी बड़ी टीम चाहिए आपको कितना कुछ चाहिए तो उसके लिए इंप्लाइज भी चाहिए पार्टनर्स भी चाहिए स्टेक होल्डर्स भी चाहिए सब कुछ चाहिए आपको राइट तो इंपॉर्टेंट यह है कि आपकी विजन क्या है ये तो इनकी विजन है इतना बड़ा जो ये सोच पा रहे हैं क्योंकि ये चाहे भी तो कुछ छोटा नहीं सोच सकते आज जिस लेवल पे ये है राइट बट आपके माइंड में क्या है वो आप ही जानते हो कि वो सच क्या है कि आप हो सकता है आप अपने माइंड में सोच रहे हो कि यार अभी मेरे इस दुकान से पचास साठ हजार लाख रुपए महीने की कमाई हो जाती है खर्चा वर्चा काट करके अब ये करके मुझे महीने का दो चार पांच लाख रुपए मिल जाए तो बहुत है तो अगर इतना ही आप सोच रहे हो उस हिसाब से आपको लोग चाहिए तो जैसे इन्होंने जो भी स्टेप्स बताए वो बिल्कुल परफेक्ट हैं पहले अपने फादर को कन्विंस करिए अगर आपके फादर मना कर रहे हैं कि पार्टनरशिप में मत करिए तो हो सकता है उनका कुछ खराब एक्सपीरियंस रहा हो पार्टनरशिप से रिलेटेड तो कोई रीजन हो जिस वजह से वो बोल रहे हैं तो ये भी देखना जरूरी है कि जिसके साथ आप पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं क्या उसकी विजन आपके साथ में अलाइन हो भी रही है नहीं हो रही है या वो कुछ और ही सोच करके आ रहा है या आ रही है वट तो ये इंपॉर्टेंट है बिजनेस में विजन इंपॉर्टेंट है कि आपकी विजन क्या है कहां तक देख पा रहे हो इनफैक्ट आई थिंक प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग आपके करियर में जो सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट रहा होगा ये जो आप यूएस गए और आपको ग्रांट मिला आई थिंक दिस मस्ट हैव बीन द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग बिग नहीं नहीं बिल्कुल आई थिंक ये जो एक बहुत बड़ी बढ़िया बात बता रहे हैं सर सबसे पहले तो आई फुली एग्री विद सर इन सेइंग कि आपको एक अपने तरफ से क्लियर होना चाहिए कि मैंने क्या करना है अगर आपका एम्बिशन है एक्स आप अगर पार्टनर को बिना एक्सपेक्टेशन सेटिंग के ले आए लाइक इन यू नो एनी सिचुएशन एक्सपेक्टेशन सेटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है आपकी कुछ और है तो आपकी डेली लड़ाइयाँ होंगी यू शुड अवॉइड इट तो आप एक्सपेक्टेशन सेटिंग करिए उसके हिसाब से आप सही पार्टनर खोज पाएंगे जो थिंकिंग बिग है बहुत जरूरी चीज है कि मैंने हमेशा सीखा यू आर द एवरेज ऑफ टेन पीपल अराउंड यू जिसका मतलब आपके आसपास के जो दस लोग हैं आप ना चाह के भी उन दस लोगों के एवरेज बन जाते हैं अगर आपके आसपास पास दस लोग हैं जो बड़ी चीज़ें सोच रहे हैं आप अगर छोटी सोच रहे हो आप उनके आसपास रह के सोचते हो थोड़ा मैं भी बड़ी सोच लेता हूँ बड़ा नहीं तो मीडियम तो सोच लेते हैं छोटे से।, है। से पर अगर आपके पास दस लोग हैं जो लोग दिन भर ये सोच रहे हैं कि चलो मैंने कुछ मान लीजिए छुट्टी मनाने के बारे में सोचना है तो आपके दिल में बिल्कुल छुट्टी का दिल नहीं होगा पर फिर भी आप भी सोचें थोड़ी छुट्टी मैं भी सोच लेता हूँ तो थियर फेलोशिप पहली बार ऐसी जगह थी जहाँ पे सब लोग बड़ी सोच रहे थे हमारी फ्लैट में एक लड़का रहता था जिसकी कंपनी नहीं थी उसने आके कहा कि मुझे दुनिया की सबसे बड़ी फ्लैश स्टोरेज कंपनी बनानी है मैंने कहा ना इनके पास जैसे हमारे देश में मैं कहता था मेरे को साउथ सिटी वन का सबसे बड़ा गेस्ट हाउस बिजनेस बनाना है लोग कहते लोग हंसते थे मुझ पर कि साउथ सिटी वन में तुम्हें लगता है तुम सबसे बड़ी गेस्ट हाउस बना लोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये बोल रहे हैं अपनी अटेंशन को बढ़ा लो जितना बढ़ा सकते हो

सपने देखने का तो कोई खर्चा ही नहीं लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आप सोच सकते हैं बड़ा तो उसके बाद में अगेन गोज बैक टू प्रोबेबिलिटी अगर नहीं सोचे तो हंड्रेड परसेंट चांस है कि आप नहीं बना पाएंगे पर अगर सोच लिया तो शायद चांस है कि आप बना सकते हैं उसके बाद से मैंने भी बड़ा सोचना शुरू किया तो आप अपना जितना बड़ा सोच सकते हैं अभी बस वही इशू है कि एक बार सोचने के बाद उसके लिए काम भी करना पड़ता है अगर वो काम करने की हिम्मत है तो सोचने में कोई बुराई नहीं है थैंक यू सर एक्सेलेंट पॉलिटी सर जैसा आपको देख के लग रहा है जो मेरे को फील हो रहा है आप बहुत कूलर काम पर्सन है एंड जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि आपने ऐसे बिजनेस कैसे स्टार्ट किया तो लाइक अब कुछ पास्ट ईयर से हम देखते हैं जैसे ओयो के बारे में ऐसे मीम्स बनते हैं या अभी फेबर का मंथ आएगा तो वो सब स्टार्ट हो जाएगा <laughs> तो ऐसे स्टार्टिंग में थोड़ा हर्ट फील हुआ कि लाइक मैंने इतनी मेहनत करी एंड बिजनेस बनाया एंड <coughs> उसको अब ऐसे बिजनेस को ऐसे मीम्स बन रहे हैं या आपने सोचा कि चलो फ्री के मार्केटिंग अच्छी चीज है चलने देते हैं या आप अब सोच रहे हो उसको बिजनेस को लाइक इमेज पॉजिटिव करनी चाहिए हमें या मतलब ठीक है आपके लिए इस पे मेरे तीन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं अगर मैं पूरा ब्रॉडर जो है कपल स्लैश यू नो इंडिविजुअल्स सेम सिटी ट्रैवल उसके बारे में बताऊं सबसे पहला तो यह है कि आ, मैं पर्सनली जो है प्रोमिसक्विटी प्रमोट नहीं करता या फिर मेरा ऐसा कोई व्यू नहीं मुझे मतलब आई ऑल्सो डोंट प्रमोट की कोई एक्स्ट्रा मैरिटल वो मुझे लगता है कि आई हैव अ वेरी पर्सनल व्यू ऑफ सेंग की जो एक कॉमन इंडियन नैरेटिव है कि रिलेशनशिप शुड बी बिल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बट वो तो मेरा पर्सनल व्यू है हमारी कंपनी का बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है कि हम लोग जज नहीं करते कोई भी कस्टमर हो अगर उनके पास लेजिटिमेट आईडी कार्ड है ये लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि हम उन्हें चेक इन दें और उनको बेहतर से बेहतर सर्विस अनेबल करें और उसी पे हम लोग काम करते हैं और इसमें आप देखेंगे कि हिस्टोरिकली बड़ी चैलेंजेस रही हैं जैसे मैं आपको बताता हूँ कुछ साल पहले हमारे एक कॉलीग थे वो और उनकी वाइफ एक होटल में गए वाइफ ने जो है सेकेंड नेम बदला नहीं था उनका सेकेंड नेम सेम था पहले जैसा ही तो होटल वाले ने कहा कि आप दोनों शादीशुदाएं इसका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाइए फिर हम आपको चेक इन देंगे ओयो के पहले कई लोगों ने ऐसी एक्सपीरियंसेस सही हैं कि लोग जज करते हैं लोग घूरते हैं लोगों को हमारा ये ओपिनियन है कि आप चाहे कोई भी हो अगर आप एक लेजिटिमेट पर्पज से रहने आए हैं तो हम आपको चेक इन देंगे बट मेरा पर्सनल व्यू उसको लेकर के अलग हो सकता है जो तीसरा है और ये भी बहुत क्रूशियल चीज़ है कि आज के दिन में ओयो में अगर आप देखें जो कंज्यूमर सेगमेंट है वो बहुत ब्रॉड है आप सेम होटल में देखेंगे यंगस्टर्स होंगे जो लोग मतलब 20, 25, 30 साल की उम्र में हैं उसी होटल में रह रहे होंगे पचास साल साठ साल की उम्र की फैमिलीज उसी के बगल में रह रहे होंगे कॉपरेट क्लाइंट्स और अगर आप लोग कुछ ओयों में रहे हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे मैं कई बार होटल में खुद जाके रिसेप्शन में बैठता हूँ चेक इन्स कराता हूँ आजकल भी टू लर्न की कौन आ रहा है इट इज जस्ट अ फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस कि हर तरीके के कस्टमर आते हैं आज के दिन में जान के आपको खुशी होगी कि हमारा लगभग जो है तीस बिजनेस सिर्फ रिलीजियस डेस्टिनेशन जैसी जगहों से आता है तो ओयो आपके लिए वो हम जैसे लोग चलाएंगे और मेरा होप ये है कि आगे चल करके आप में से कुछ लोग मुझे मिले और कहें कि रितेश आपसे मुलाकात किया था सर के साथ में एक समय और आज मैंने इतना बड़ा बिजनेस अपना खुद का बनाया मेरा होप है कि इस डिस्कशन का आपको वैल्यू हो जो लोग उनके लिए भी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे यह लगता है कि इन कॉन्वर्जेशन से मुझे खुद को भी एक चीज़ सीखने को मिलती है कि टू बी क्लोज टू योर रूट्स जब मैं वापस अपने बारे में सोचता हूँ कि कंपनी में जब भी कुछ गलत होता है वो तब होता है जब मैं अपने रूट से बदलता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल ओपननेस टू न्यू आइडियाज मैंने देखा जब भी हमारी कंपनी में कुछ गलतियाँ होती हैं तब होती हैं जब मैं नए आइडियाज से ओपन होना बंद हो जाता हूँ तो हमेशा अपने ऐसा नहीं कि रूट से इतना अटैच हो जाओ कि बदलो मत बट जो रूट के समय में जब कुछ भी नहीं था आपके पास में आपकी वैल्यू सिस्टम क्या थी उसे आप कंटिन्यू रखें ये तीन चीजें मेरे लिए काफी वैल्यूएबल थी तो मेरे लिए तो इट हैज बीन फैंटेस्टिक थैंक यू आप लोगों ने मुझे बोला एक्सेलेंट जी एक्सेलेंट हाँ थैंक यू सो मच जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग